सागर जिले में चयनित शिक्षक संघ ने भर्ती को पूरा करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से चयनित शिक्षकों ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से संयुक्त पात्रता परीक्षा के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के 19,220 पद और माध्यमिक शिक्षक के 11,374 पद पर विधानसभा चुनाव 2018 के पहले भर्ती निकाली थी, जिसकी परीक्षा और परिणाम के बाद नियुक्ति हेतु दोनों विभागों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और अब एक वर्ष बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन पर ही अटकी हुई है। चयनित शिक्षक ने ज्ञापन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया के तहत जल्द नियुक्तियाँ देने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। हिंदी में हम लोग बहुत दे चुके हैं, प्रशासन को वो सुनती नहीं है, इसलिए इस बार हम लोगों ने शिक्षक लोगों ने संस्कृत में विज्ञापन बना ये सर हिंदी का सर। हम चाहेंगे कि 2 सप्ताह शिक्षक भर्ती की दिशा में कुछ बोल रहे हैं सर, लेकिन आपसे अनुरोध है, बहुत परेशान है हम, सरकार तक हमारी बात मार्ग जो अभी तक अपूर्ण है उसकी नियुक्ति नहीं मिली, उसके पर्पस में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। उसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सागर चयनित शिक्षक संघ ने आज ज्ञापन दिया। क्या क्या मांगे थी आप? शिक्षक भर्ती 2018 पूर्ण करते हैं, उसमें सब 2 स्टेप हम लोगों के बाकी हैं, एक दस्तावेज सत्यापन, दूसरा नियुक्ति। अगर दस्तावेज सत्यापन पुनः प्रारंभ कर दे, पोर्टल अपडेट गवर्नमेंट कर दे, उसमें एक शेड्यूल डाल दे, इस तारीख से इस तारीख तक आपका दस्तावेज सत्यापन हो जाएगा और आपको स्कूलों में की नियुक्ति या स्कूलों का आवंटन इस तारीख को हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर इस तारीख को मिल जाएगा। तो हम लोग तो यहीं आगे कलेक्टर महोदय को प्रसाद खिलाएंगे, गोपालगंज थाने को प्रसाद खिलाएंगे, मीडिया वालों का धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग सब एजुकेटेड हैं, सब मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, तो हम लोग नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई भी शासन के कार्यों में हम लोग समस्या खड़ी करें। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम है? आगे अगर हमारी मांगे आज के धरने के बाद उपरांत अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं, सरकार हमारा पोर्टल शिक्षा पोर्टल अपडेट नहीं करता है, तो आगामी कार्यक्रम हमारा भोपाल में होगा और वो प्रोग्राम होगा कि जो अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी उसमें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजकिशोर पाटकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।